अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू? उमेरियन किचन में वेलकम। होप के आप सब लोग ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं, आफियत के साथ हैं। उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि हम सब अपने घरों में आफियत और ईमान के साथ रहें। और आज उमेरियन किचन आपको एक बड़ा यम्मी सी रेसिपी जो कि सब घर में बनाई जाती है निहारी, उसकी होममेड मसाला की रेसिपी बताऊंगी। कि अब बहुत हो गया पैकेट का मसाला, अब पैकेट को करें बाय बाय और होममेड मसाले के साथ हम आपको रेसिपी दे रहे हैं। होममेड मसाले के साथ यम्मी ट्रेडिशनल और अमेजिंग निहारी बनाएं। लेट्स हैव अ लुक। आपको मैं सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स हमने ग्राइंड करने हैं वो मैं बता रही हूँ। और ये इंग्रेडिएंट्स उतने गोश्त के लिए ऑलमोस्ट मैंने 750 ग्राम यानी कि एक किलो से थोड़ा सा कम की मैंने निहारी बनानी है। मैं उसके लिए आपको जो इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ उसमें सबसे पहले कि ऑलमोस्ट इतना दालचीनी है यानी कि सिनेमन स्टिक है, इसको मैं पीसीज में करके अपने ग्राइंडर में डालूंगी। इस सिनेमन स्टिक को मैं अच्छे से पीसीज में कर दूंगी। ये बे लीव्स है, ऑलमोस्ट 5 बे लीव्स हैं। इन बे लीव्स को भी थोड़ा क्रश करके मैं इसमें डालूंगी। और ये 4 बड़ी इलायची हैं, 1, 2, 3, 4 ये हम इसमें डालेंगे। और ये है थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, बहुत थोड़ा, इट्स अ पिंच ऑफ यानी कि हाफ टी स्पून से भी कम है। ये थोड़ा सा डालेंगे, कई लोग बहुत ज़्यादा टर्मरिक डालते हैं वो आपका आर्टिफिशियल फ्लेवर आता है। और ये मैंने ऑलमोस्ट लौंग जो हैं क्लोव्स मैंने लिए हैं ऑलमोस्ट 20 to 25। और ये 1 टी स्पून मैंने काली मिर्च ली है, इसमें मैं ये सारे डाल दूंगी। ये मैं क्वांटिटी की बता रही हूँ कि एक किलो से थोड़ा सा कम की क्वांटिटी है। ये है मैंगो पाउडर, मैंगो पाउडर ऑलमोस्ट मैं लूँगी 1 टेबलस्पून मैंगो पाउडर। और ये है हमारा साबुत धनिया जो कि ऑलमोस्ट मैं 2 टेबलस्पून लूँगी, 1 2 ये हमारे, और थोड़ा सा ज़्यादा रहती है 2.5 टेबलस्पून। और ये हमारी सौंफ है जो मेन सॉस है, जो मेन चीज है वो सौंफ है, वो ऑलमोस्ट 2.5 टेबलस्पून सौंफ डाल दी। ये क्रश्ड है चिली फ्लेक्स, लेकिन हमने अपना पाउडर पूरे पाउडरिश फॉर्म में लेके आना है। तो ये ऑलमोस्ट 1.5 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स है, अगर आपके पास देगी मिर्चें साबित भी है तो यू कैन यूज। और ये 1.5 क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा है, ये हम इसके अंदर डालेंगे। और ये ऑलरेडी हम डाल चुके हैं। और ये है जिंजर पाउडर एंड गार्लिक पाउडर, कुछ लोग सून डालते हैं लेकिन हमारे मसाले आगे बहुत ज़्यादा गर्म है तो मैं अवॉइड करती हूँ सून डालने से। मैंने जिंजर और गार्लिक पाउडर जो है वो एक समझे, सून भी क्या होती है आपका ड्राई जिंजर ही होता है। तो ये जिंजर पाउडर और गार्लिक पाउडर मिलाकर ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून बना है, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। ये देखें ये सारा जो मसाला है ये बहुत अच्छे से ग्राइंड कर दिया है। और इसमें थोड़ा सा देखिए थोड़े पीसीज रह गए, आप इस पैकेट के मसाले में देखी होंगी थोड़े थोड़े ये बे लीव्स के पीसीज रह जाते हैं। ये हमारा मसाला रेडी हो गया। इसके साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे ऑलमोस्ट 1/2 टेबल स्पून हल्दी टर्मरिक, और क्योंकि स्पाइसी थोड़ा सा होता है और अपने अपनी निहारी को रेडिश कलर में लाना है तो ये थोड़ी सी देगी मिर्ची हैं, ये मैं 1 टेबल स्पून डालूंगी। और इसको ऐसे से मैश करूंगी कि बिल्कुल बाजार के देगी जो बाजार में निहारी मिलती है उस मसाले जैसा है। और प्लीज़ ये मैं बहुत तकरीबन 4-5 ईयर से मैं यही घर के ही मसाले यूज़ करी, मैंने ऑलरेडी आपको बिरयानी मसाला भी बताया है और कौरमा मसाला भी इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं ज़रूर बताऊँगी। तो सो ये आप घर में बनाएं और पैकेट मसाले को करते हैं बाय बाय, और घर के मसाले को करें इन और पैकेट मसाले को करें आउट। सो आप इस रेसिपी को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जब भी निहारी बनाएं तो इस मसाले को यूज़ करें। और मुझे और मेरे फैमिली को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।